तो क्या आज दिल्ली को मेयर मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तीन बार लगातार विवाद के बाद इसे स्थगित कार्रवाई स्थगित हुई थी और आज चौथी बार ये चुनाव होना है। उससे पहले आप देखिए किस तरीके से तनातनी है, वहां पर जो पुलिस के जवान हैं उनसे बहस करते ये नेता नजर आ रहे हैं। जानकारी के साथ ऐश्वर्या, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं बहस की, अब ये बहस की शुरुआत आखिरकार किस वजह से? देखिए, ये बहस की शुरुआत इसलिए है क्योंकि कई सारे जो सपोर्टर्स हैं आम आदमी पार्टी के, उनको ये कहना है कि कई सारे लोगों को जो कि काउंसलर्स नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, उनको अंदर एंट्री दी गई है। अलबत्ता आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर के विजुअल्स हैं सिविक सेंटर के, जहां पे जो सपोर्टर्स हैं और दिल्ली पुलिस के बीच इस समय भिड़ंत हो चुकी है। जो सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि उन लोगों को ऊपर जाने की भी अनुमति दी जाए, क्योंकि कई सारे सपोर्टर्स जो भारतीय जनता पार्टी के वो इस समय ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन इन लोगों को यहां पर अब रोक दिया गया है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि सिर्फ वो लोग जो कि पार्षद हैं, सिर्फ वही लोग ऊपर जा सकते हैं, उनके अलावा कोई भी और ऊपर नहीं जा सकता। और ये देखिए दूसरी तरफ से सिक्योरिटी, मैं आपको दिखाती हूँ कि सिक्योरिटी पर्सनल जो है यहाँ पे उतरते हुए, और सिक्योरिटी पर्सनल अब काफी भारी तादाद में यहाँ पे ऊपर से जो लोग जो सिक्योरिटी थी वो अब उतर के अर्पिता यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे आ चुकी है। और सिक्योरिटी को यहाँ बुलाने का कारण यही है कि दूसरी तरफ जो है यहाँ पे देखिए दो आपको नजर आएंगी, दो स्टेयरकेस है, एक जाने की ऊपर एक उतरने की। और यहाँ पर ये देखिए पुलिस तैनात काफी भारी तादाद में, और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर पीछे मेरे जो बहस चल रही है इसको किसी तरीके से सुलझा दिया जाए, क्योंकि एक तरफ है दिल्ली पुलिस और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सपोर्टर्स, जिनका ये कहना है कि उनको भी ऊपर जाने की अनुमति अब देने की जरूरत है। ये देखिए कोशिश की जा रही है कि पुलिस जो है वो क्योंकि काफी भारी तादाद में यहाँ पर आ चुकी है, तो कोशिश की जा रही है कि सपोर्टर्स को यहाँ से बाहर भेजा जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी सवाल अभी भी बना हुआ है। इस हंगामे के बीच क्या मेयर मिल पाएगा, बड़ा सवाल।